नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड्स विन प्रोडक्शन में। दोस्तों, हम कवर करने वाले हैं अफगानिस्तान एस्पगीजा T20 लीग का मैच नंबर 6, जो कि दोस्तों खेला जाएगा SG से MAK टीम्स के बीच। डिप्लास करेंगे दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टेट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले मैचेस की वीडियो टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभार लिंक वर्क न करें तो आप हमें अपने टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। जाकर अपने टेलीग्राम पर आप सर्च करें @realfwp, आपको फ्रेंडशिप इन प्रोडक्शन का चैनल मिल जाएगा। वहाँ आपको 20,200 के आसपास सब्सक्राइबर दिखेंगे, तो ये हमारा रियल चैनल है, उसी चैनल से आपने जुड़ जाना है। हमारे नाम से कुछ फेक चैनल भी लोगों ने बनाए हैं, तो उनसे आपने सावधान रहना है। और आपने यूजर नेम देख के realfwp 20,200 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन करना है। दोस्तों, बात करें मैच की, मैच अब से कुछ देर बाद दोपहर में 3 बजे से गेम शुरू होगा। और दोस्तों, मैच होने वाला है काबुल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, काबुल के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों की पिच की, तो अभी तक जो मैचेस खेले गए हैं बैलेंस टाइप के विकेट हमें देखने को मिला है, जहाँ पे स्पिनर्स पेसर्स दोनों को लगभग इक्वल एडवांटेज है और बाउंड्रीज थोड़ा छोटी हैं, तो बैट्समैन अच्छा जो खेल रहे हैं वो ठीक ठाक स्कोर भी कर रहे हैं। मतलब सभी डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ मदद जरूर मौजूद है और 150 के आसपास स्कोर देख सकते हैं, 140 से 160 के बीच में। पहले हम बात करें दोस्तों SG टीम्स की, 2 मैच हुए हैं, दोनों मैच टीम हार गई है और उतना कुछ खास इनके प्लेयर इंपैक्ट नहीं डाल पाए हैं। 1-2 प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। इस टीम के लिए आप ओपन करते हो देखेंगे इमरान मीर, उनके साथ ओपन करना है हसन चकल। यदि बात करें दोस्तों मीर के, जो राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम 22 पहले 14 किया, दोनों में उतने कुछ खास इनिंग नहीं खेल पाए, लेकिन ठीक ठाक से ग्राफिक रहेंगे, ग्राले में रोटेट कर सकते हैं। हसन चकल ने पहले में 24 किए थे, लास्ट गेम में 10 किया, ओवरऑल T20 में 35 के ओवरेज है, लेकिन अभी तक दोनों मैच में उस हिसाब की इनिंग नहीं खेली है। वैसे तो मोहम्मद नबी के लड़के हैं, लेकिन नबी वाली परफॉर्मेंस अभी तक इनकी बैट से नहीं दिखी है। ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अच्छे हिटर हैं, फील्डिंग वगैरह भी काफ़ी बढ़िया करते हैं। पहले मैच में जो एक कैच पकड़ा था रनिंग करके आगे डाइव मार के, बहुत अच्छा कैच था, तो फील्डिंग से भी आपको पॉइंट दे सकते हैं। हमेशा ऐसी जगह फील्डिंग करते हैं लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, जहाँ पे कैचेस भी इनको मिलते हैं। नंबर 3 पे आएंगे इकरम अली खेल, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, प्लस कीपिंग कराएंगे। दोनों मैच में अच्छा किया, 36 और 20 का स्कोर किया। ओवरऑल आंकड़े हालांकि उतने सही नहीं थे इस टूर्नामेंट से पहले, लेकिन अब इनको ऊपर खेलने का मौका मिल रहा है। यदि ऊपर खेलेंगे तो अच्छा करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए भी मैचेस खेल चुके हैं। अफगानिस्तान के लिए ज़्यादातर वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं, लोअर मिडल ऑर्डर बैटिंग करते हैं, लेकिन यदि टीम यहाँ पे ऊपर खिलाएगी तो उस एक्सपीरियंस का यूज करके रन बना सकते हैं। नंबर 4 पे आएंगे बाहिर शाह, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, 1 और 28 का स्कोर किया हुआ। GLB ट्राई करेगा क्योंकि बैटिंग ऑर्डर जरूर ऊपर रहता है, लेकिन इससे पहले सिर्फ इनका 19 का ही बैटिंग एवरेज था। नंबर 5 पे आएंगे समीउल्लाह सिनवारी, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, कैप्टनसी के बहुत ही लाजवाब ऑप्शन रहेंगे। 3 से लेकर 4 ओवर का बॉलिंग कराएंगे। बैटिंग से लास्ट गेम में 43, पहले में 21 किया था, ओवरऑल आंकड़े भी अच्छे हैं। आपको 3 से लेकर 4 ओवर का बॉलिंग करेंगे, नंबर 4-5 पे बैटिंग करेंगे, कैप्टन और कैप्टन के सेफ ऑप्शन रहेंगे। तारिक अश्टनकजे की बात करें, 0-9 का स्कोर किया, लास्ट गेम में 2 ओवर की बॉलिंग करें। बस रिस्क इनके साथ यही है कि बॉलिंग का भाई कोई भरोसा नहीं, कभी ओवर मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा रिस्की पिक रहेंगे। अलानूर की बात करें, 15-9 का स्कोर किया हुआ, आप इनको आसानी छोड़ सकते हैं। इसमत आलम की बात करें, जिन्होंने 1 लास्ट गेम में ओवर की बॉलिंग कराई, उसके पहले 4 ओवर की बॉलिंग कराई थी, राइट आर्म मीडियम फास्ट है। मेरे हिसाब से आप GL वगैरह में सोचें, नहीं तो छोड़ दीजिए। यामिन अहमद जान ने लास्ट गेम में 2 ओवर डाले, उसके पहले 4 डाले थे, तो इनके भी ओवर कट सकते हैं। इस वजह से आप इनको भी GL में स्मॉल लीग दोनों जगह रोटेट कर सकते हो, चांसेस कम है लेकिन कभी भी इनके ओवर भी कम हो सकते हैं। फरीदुन तौजे की बात करें, जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम है, लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला, बतौर सब्स्टिट्यूट प्लेयर आए थे सेकंड इनिंग में, लेकिन बस यही है कि यदि पहले इस टीम को बॉलिंग होगा तो सीधे प्लेइंग 11 दिख जाएंगे। तो यदि पहले बॉलिंग होगा तो अच्छे पिक रहेंगे, लेकिन यदि सेकंड बॉलिंग होगा फिर से सब्स्टिट्यूट दिख जाए। सब्स्टिट्यूट में इतने सारे प्लेयर होते हैं ना कि उनमें से एक को एक आता है, गेस्प कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले बॉलिंग हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। जाहिर खान तो वैसे भी आपकी टीम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेफ्ट आर्म चाइना मैंने 2 गेम में 4 ओवर डाला है, 3 विकेट अब तक ले चुके हैं। इब्राहिम अब्दुल रहीम जय की बात करें, जिन्होंने लास्ट गेम में 1 विकेट निकाला, लेकिन बॉलिंग ये भी 3 से लेकर 4 ओवर डाल रहे हैं, 10 में आके डाल रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे। यदि बात करें मेन बॉलर्स की, जाहिर खान हो गए, अब्दुल रहीम जय हो गए, 2 बॉलर हो गए, तीसरे दोस्तों दाऊद हो गए, चौथे अहमद जय हो गए, 4 इनके मेन बॉलर हैं जो मैंने आपको बताया। 5वें बॉलर टीम के रहने वाले हैं समीउल्लाह सिनवारी, 6वें बॉलर टीम के पार्ट टाइमर है इस्मत आलम, जिनको कभी कभार ही ज़्यादा ओवर मिलेंगे। पहले गेम में पता नहीं 4 ओवर कैसे डाल गए, 14 गेम में इससे पहले सिर्फ 11 इनिंग में 4 ही विकेट थे, लास्ट गेम में 6वें बॉलर के तौर में सिर्फ 1 ओवर डाला, तो ये रिस्क इनके साथ बना रहेगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा अपने दिमाग में। ये बेंच में कुछ प्लेयर्स हैं, तो इनके जो बड़े बड़े प्लेयर हैं नहीं खेल रहे हैं, इसी वजह से टीम कमजोर है। यदि वो लोग आएंगे तो टीम अच्छा करेगी। पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो बेंच में प्लेयर हैं जिनकी बात कर लेते हैं, लेकिन आपको याद दिलाऊं, जो मेरा फाइनल टीम होगा आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक है, आपने जुड़ जाना है, सारा अपडेट आपको मिलने वाला है। और रेडी हमारे टेलीग्राम पे दोस्तों 20,200 दोस्त जुड़े हुए, तो डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में लिंक है, आप भी जुड़ जाइए।
अब दोस्तों अभी जो एमएके की टीम है, टीम के लिए आपको ओपन करते देखेंगे नाबिद ओवरनिंग के साथ ओपन करने आएंगे इब्राहिम जादरान। ये बात करें दोस्तों नाबिद की, जो राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में उन्होंने 8 रन का स्कोर किया, उसके पहले 11 गेम में 213 रन, करीब इनका 20 के एवरेज था। तो भले ही लास्ट गेम में नहीं चले लेकिन आप बैक कर सकते हो, सामने वाली टीम थोड़ा सा कमजोर है तो इनके चलने के चांसेस रहेंगे। सामने वाली टीम का बॉलिंग अटैक भी काफ़ी हल्का है, स्पेशली उनका पेस डिपार्टमेंट, तो ट्राई कर सकते हो, करने लायक अच्छे पिक हैं तो रख लीजिए नाबिद ओवैद को। ट्रंप पिक रहेंगे, थोड़ा सा रिस्क रहेगा लेकिन चल जाएंगे तो आपको अच्छा पॉइंट देके जाएंगे। सिलेक्शन बहुत कम है, सिर्फ 1-2% सिलेक्शन है, तो सोच सकते हैं ओपन करेंगे। इब्राहिम जादरान तो सबके पास होंगे, सीबीसी भी लोग बनाएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, लास्ट गेम में 80 रन आउट इनिंग भी खेली, ओवरऑल आंकड़े भी इनके लाजवाब हैं, तो आपकी टीम में तो रहेंगे ही, आप कैप्टन भी बना सकते हो। ओफिकुल्ला ताराखिल की बात करें, जो राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 19 रन किया, इसके पहले सिर्फ 14 एवरेज है। देखिए ओफिकुल्ला ताराखिल के लिए लोग सोचेंगे, लेकिन यदि आप इनमें और इनमें एक लेना चाहें तो मेरा सजेशन है आप नाबिद ओवैद के साथ जाए, आंकड़े ज़्यादा अच्छे हैं। 11 गेम में 213 रन, इनके 9 गेम में 104 रन, दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, ओवैद को मैं पहले प्रेफर करूंगा। नंबर 4 पे आएंगे अफसर जजे, जो कि मस्ट पिक रहेंगे, कीपिंग भी कराएंगे, लास्ट गेम में 42 नॉट आउट किया, उसके पहले 27 का रस्ता, मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करते हैं प्लस कीपिंग करते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। रहमानुल्लाह जादरान की बात करें, बैटिंग ऑर्डर नीचे है तो आप इनको छोड़ सकते हैं, सेम दोस्तों संजय का आप इनको भी छोड़ सकते हैं। रहमानी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 4 ओवर लास्ट गेम में पूरे डालते, ओवरऑल 17 गेम में 17 इनिंग में 14 विकेट थे, तो भाई बॉलिंग तो हर मैच में करा रहे थे लेकिन बस ये कि विकेट उतने नहीं मिल रहे थे। मिडल ओवर में बॉलिंग डालते हैं लेकिन इनके साथ आपको बैटिंग का बैकअप भी मिल जाएगा, 17 गेम 85 रन, मतलब 5-10 रन हो सकता है, तो बैटिंग भी कर सकते हैं, तो आप ही इंपॉर्टेंट प्लेयर लग रहे हैं। जियाउर रहमान अकबर की बात करें, जो कि लेफ्ट आउटर को चलते हैं, लास्ट गेम में 2 विकेट निकाला, विकेट टेकर है, इसके पहले 29 गेम में 32 विकेट थे, तो आपकी टीम में होने चाहिए, 4 ओवर कंफर्म इनका रहेगा, इनके ओवर कोई नहीं जल्दी कर सकता। नाविद जादरान ने भी 4 ओवर की बॉलिंग कराई थी, इससे पहले लिस्ट में अच्छे आंकड़े थे, ट्राई किया जा सकता है। वहीदुल्ला जादरान कोई जल्दी ध्यान नहीं देगा, राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, लास्ट गेम में दोस्तों 4 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले, उसके पहले 9 गेम में इनके नाम 15 विकेट थे, पिक कर सकते हो आप, जरूर कवर कर सकते हो क्योंकि अच्छे पिक आपके लिए यहाँ पे साबित हो सकते हैं, क्योंकि विकेट टेकर है, इससे पहले 9 गेम में 15 विकेट। यामा अरब की बात करें, जिन्हें लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला। अब इनकी मेन बॉलर की बात करें तो एक जादरान हो गए, दूसरे यहाँ से दोस्तों अरब हो गए, तीसरे दोस्तों नाविद जादरान हो गए, चौथे जियाउर अकबर हो गए, पांचवे आपको ऊपर देखेंगे रहमानी। पांच ही बॉलर्स की टीम ने यूज किया था, छठे बॉलर्स की टीम के देखिए प्लेइंग 11 तो कोई है नहीं, लेकिन टीम चाहे तो बतौर सब्स्टिट्यूट प्लेयर किसी छठे बॉलर्स को भी ला सकती है, ये हमेशा मतलब रहेगा, कोई को भी ला सकती है भाई, इनके बेंच में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बॉलर हैं, कुछ प्लेयर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मैच की टीम की, लेकिन जो मेरी फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी टॉस के बाद, जहाँ पर लेटे दोस्तों 20,000 ज़्यादा दोस्त जुड़े हुए हैं, जुड़ा बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन पर लिखा उनमें लिंक है, आपने जुड़ जाना है टेलीग्राम से, आप टेलीग्राम पर RealFWP सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो दोस्तों बात करते हैं इस मैच की टीम की, दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में इकरम अली खिल के साथ जा रहा हूँ, यहाँ पे अफसर जजई को मैंने पिक कर लिया क्योंकि दोनों मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करते हैं। लास्ट गेम में इकरम नंबर 3 पे आए थे, जजई नंबर 4 पे आए थे, लेकिन कभी भी हो सकता है इकरम नंबर 4 पे चले जाएं, मतलब देखिए दोनों अलग अलग टीम के कीपर हैं प्लस दोनों अपनी अपनी टीम के लिए कीपिंग भी करेंगे, तो मेरे हिसाब से मिडल ऑर्डर में बैटिंग करके कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं, तो अच्छे पिक हैं दोनों का सिलेक्शन भी अच्छा है, दोनों के साथ जाऊंगा, कीपिंग का बैकअप मिलेगा। बैटिंग सेक्शन में 3 लिए, इब्राहिम जादरान मस्ट पिक है, हसन ईसा करे अच्छे हिटर हैं प्लस फील्डिंग से भी आपको कुछ पॉइंट दे सकते हैं, इसलिए मैं इनको भी लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब डाउट है लेकिन अभी ले रहा हूँ। तो उसके बाद देखेंगे जो तीसरा प्लेयर मेरी टीम में कन्फर्म रह गए वो है नाविद ओवैद, अच्छे हिटर हैं, करीब करियर में 19-20 के एवरेज है लेकिन अच्छे हिटर हैं, बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, स्ट्राइकर का जब रहता है, लास्ट गेम में आउट हो गए, सिर्फ 8 रन बनाए लेकिन मैं अपनी टीम में बैक करूंगा। और सिलेक्शन देखिए सिर्फ 3% से भी कम है, लोग इग्नोर कर रहे हैं लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। इब्राहिम यहाँ से आपको प्लेयर दिख रहा है इमरान मीर, आप इनको ओपन करेंगे, ग्राइंडिंग में ट्राई कर सकते हो और बाहर शाह को भी ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन से सीनवारी मस्ट पिक, कैप्टनसी के अच्छे ऑप्शन, अब्दुल रहमान रहमानी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे और कोई उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। बात करें दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की, यहाँ से एमएचजे को ट्राई किया जा सकता है, लास्ट गेम में 2 ओवर डालते, नाविद जादरान भी ठीक ठाक पिक आपके लिए रहेंगे, दाऊद जी लास्ट गेम बतौर इंपैक्ट प्लेयर आए थे, पहले बॉलिंग होगा तभी लीजिएगा, तभी प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। जाहिर खान आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, इब्राहिम अब्दुल रहीम जी को मैं लेके जा रहा हूँ, 8% सिलेक्शन है, जियाउर अकबर मस्ट पिक है, और ऐसे में टीम नाविद जादरान का नाम कहना है, वहाँ वहीदुल्ला जादरान नाम है, 9 गेम में 15 विकेट निकाल चुके हैं अब तक, 9 गेम में 15 विकेट निकाल हैं, विकेट टेकर है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, मैं अपनी टीम में लूंगा। लास्ट गेम में ऐड नहीं थे ड्रीम इलेवन पे, इसलिए इनका सिर्फ 0 पॉइंट शो कर रहा है, लेकिन अपनी टीम में रख सकते हो, आपको ट्रंप मैच, आपके ट्रंप पिक आज के मैच में हो सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों टीम प्रीव्यू की, तो कैप्टन हमारे रहेंगे शमीउल सिनवारी, वाइस कैप्टन रहेंगे इब्राहिम जादरान, जिनको थोड़ा सेफ खेलना है, रिवर्स कर सकते हैं, वही इन्हीं दोनों में सब लोग सीबीसी बनाएंगे, कोई इनको सी बना के इनको भी सी कर देगा, कोई यही रखेगा, सिनवारी को बस इसलिए कर देगा क्योंकि नंबर 5 पे बैटिंग करते हैं प्लस 4 ओवर का बॉलिंग भी इनसे मिलेगा आपको, और एक दो अच्छे ऑप्शन हो जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो, स्पेशली अफसर जजई को उनकी टीम पहले बैटिंग करे, बॉलर्स में सीबीसी जरूर रोटेट करेगा, जैसे जाहिर खान हो गए और वहीदुल्ला जादरान हो गए, जियाउर अकबर हो गए, आप इन लोगों को भी सीबीसी बना सकते हो। बहरहाल टीम मेरी है, उस टीम में कुछ भी मैं चेंजेस करूंगा तो फाइनल टीम मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा।
फाइनल टीम के लिए आपने क्या करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में जाना है, आपको लिंक मिल जाएगा, आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है जहाँ पर ऑलरेडी 20,204 दोस्त जुड़े हुए हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिखा उनमें टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाइएगा, सारा अपडेट आपको वहीं मिलने वाला है क्योंकि हम इस मैच का फाइनल टीम टॉस के बाद ही देंगे। बाकी वीडियो लाइक कर दी, मिलते हैं टेलीग्राम पे, वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।